हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एफर्टलेस जावा। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं बबल सॉर्ट टेक्निक इन जावा। मतलब बबल सॉर्ट टेक्निक मैं समझाऊंगी पहले होती क्या है और उसी के साथ हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जावा में। बबल सॉर्ट कुछ नहीं, एक टेक्निक होती है सॉर्टिंग टेक्निक, जिसमें हमें जो भी मान लीजिए गिवन एरे होता है हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देते हैं। बबल सॉर्ट में सिंपली कुछ नहीं होता, हर एक एलिमेंट जो भी आपके गिवन एरे में होता है उसको वो एडजस्टेंट एलिमेंट से चेक करता है आपस में, अपने जो होता है एडजस्टेंट मतलब आपके बगल वाला जो एलिमेंट होता है वो उससे चेक करता है अपने नेबरिंग एलिमेंट से। और अगर नेबरिंग एलिमेंट बड़ा होता है या छोटा होता है, अगर हमारी जो भी कंडीशन होगी, अगर मान लीजिए मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो अगर मेरा जो नेबरिंग एलिमेंट है वो छोटा होएगा तो ये इस दोनों के बीच में स्वैपिंग करवा देगा। तो स्वैपिंग से क्या होएगा, छोटा एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा और जो उससे ग्रेटर एलिमेंट होएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या होता है, बबल सॉर्ट में हर दो एलिमेंट्स को, एडजस्टेंट एलिमेंट या नेबर एलिमेंट्स को आपस में चेक करते हैं और चेक करने के बाद अगर वो बड़ा होता है या छोटा होता है तो जो भी हमारी कंडीशन होती है, अगर हम असेंडिंग में चेक करते हैं तो अगर हमारा नेबरिंग एलिमेंट छोटा होता है तो वो स्वैप कर देता है, वरना स्वैप नहीं करता। तो इसी को हम आज पूरा इम्प्लीमेंटेशन वाला करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि बबल सॉर्ट टेक्निक जावा में किस तरह से यूज करते हैं और अप्लाई करते हैं। तो हम लोग सिंपली कुछ नहीं करते, पहले मैं आपको प्रॉपर जो बना हुआ प्रोग्राम है उसे मैं आपको ड्राई रन कर, उसका एक मैं आपको सिंपल मैनुअली जो कंप्यूटर से इनपुट आएगा उसको मैं दिखाती हूँ। मैंने कंपाइल करा इस प्रोग्राम को, कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। क्लोज करने के बाद मैंने इस प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने इंट ए में पैरामीटराइज एक मैंने एरे डाल दिया। मान लीजिए मैंने डाला 45, 15, 13, 07 और 89, ठीक है, ये हमारे कुछ नंबर्स थे और ये मैंने इसको डाल दिया। देख सकते हैं सॉर्टेड एलिमेंट आ चुके हैं असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि मैंने जो सॉर्टिंग करनी थी वो एक असेंडिंग ऑर्डर में करनी थी, तो इसलिए आप देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर्स आ चुके हैं, 7, 13, 15, 85 एंड 545, ये नंबर्स आ चुके हैं। तो लेट्स सी आखिर इंटरनली प्रोग्राम कैसे रन होता है कि हमें ये ऐसा आउटपुट मिल जाए। तो आज हम लोग इसका ड्राई रन करना सीखेंगे किस तरह से हमारा बबल सॉर्ट का प्रोग्राम रन करता है। अब मान लीजिए मैंने एक एरे लिया है ए और पैरामीटराइज मैंने इनपुट करवा लिया, और फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी कि हमारा एरे है, मैंने ज़्यादा बड़ा एरे नहीं लूँगी क्योंकि थोड़ा लंबा प्रोसेस है ये तो टाइम लगेगा। हमने फोर एलिमेंट्स का एरे ले लिया, ओके फोर एलिमेंट्स में। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला 19, यहाँ पे 7, यहाँ 2 और यहाँ मैंने सिंपली डाल दिया 15। ये मेरा एक एरे है, अगर हम इसकी इंडेक्सिंग पे जाएंगे तो इंडेक्सिंग कैसे होगी, 0, 1, 2, 3, ओके। अब हमने एक टी वेरिएबल लिया, टेम्परेरी वेरिएबल, ये स्वैपिंग के लिए हेल्प करता है, और एल इज इक्वल टू ए डॉट लेंथ, लेंथ हमारी इसकी कितनी होगी, 4 हो जाएगी, ओके। अब क्या होएगा, अब लूप चलेगा, int i इज इक्वल्स टू लेस देन, और कहाँ से चलेगा, i 0 से लेके लेंथ के कम तक, लेंथ से एक कम, तो लेंथ कितनी है 4, तो i का लूप इधर मैं साइड में लिख देती हूँ, आपको याद रहेगा 0 से लेके 3 तक चलेगा क्योंकि लेस देन है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, j का लूप हमारा चलेगा वेरी करता हुआ l माइनस 1 माइनस i तक, ओके। अब नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर द असेंडिंग ऑर्डर, अगर असेंडिंग में है तो हमने इधर चेक करा है कि अगर एडजस्टेंट एलिमेंट पहले वाला अगर बड़ा होएगा तो स्वैपिंग हो जाएगी अंदर, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब हमारा प्रोग्राम जैसे स्टार्ट होएगा, इंट आई इक्वल्स टू 0, पहले आई की वैल्यू क्या होगी 0, अंदर आएगा जे के लूप में, यहाँ से जैसे होएगा अंदर आएगा, अब क्या होएगा जे की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जे की वैल्यू 0 और लूप कहाँ तक चलेगा, एल माइनस 1 माइनस आई तक, आई की वैल्यू क्या है 0 और एल की वैल्यू क्या है 4 माइनस 1 माइनस आई, आई की वैल्यू तो 0 है तो ये 3 तक चलेगा, ओके। तो अब जे की वैल्यू जैसी 0 होगी पहले अंदर आएगा यहाँ पे चेक करेगा ए एट 0 इज ग्रेटर देन ए एट जे प्लस 1, ए जे की वैल्यू क्या है 0 और इज ग्रेटर देन जे प्लस 1, जे की वैल्यू क्या है 0 प्लस 1, मतलब ये चेक करने वाला है कि ए एट 0 क्या बड़ा है ए एट आई से, इसका मतलब क्या हो गया 19 क्या बड़ा है अभी ए एट आई, ए एट आई मतलब 1, ए एट आई पे 7 है तो 19 बड़ा है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन जैसी ट्रू होगी टी में क्या शोर हो जाएगा ए एट जे प्लस 1, जे प्लस 1 पे क्या है 7 तो टी में 7 शोर हो जाएगा,
और ए एट जे प्लस वन, मतलब ए एट वन में क्या स्टोर हो जाएगा, ए एट जे, ए एट जे, ए एट जीरो पे, ए एट जीरो पे क्या है 19, तो और उसके बाद और इधर आएगा ए एट जे, ए एट जे, ए एट जे मतलब ए एट जीरो, ए एट जीरो में क्या स्टोर हो जाएगा 7, क्योंकि इक्वल्स टू टी, टी हमने क्या लिया है 7, तो ये स्वैपिंग हो गई। अब स्वैपिंग के बाद क्या होएगा, आपका एरे में नए एलिमेंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे क्या होएगा, अब 19 की जगह क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ पे, और 7 की जगह क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा यहाँ पे, तो आपका नया एरे इस तरह से दिखेगा आफ्टर स्वैपिंग, 7 19 2 और इधर 15, ये आपका नया एरे आ गया, तो 0 1 2 3। ओके अब क्या होएगा, जे की वैल्यू फिर से 1 होएगी, जैसी 1 होएगी चेक करेगा अभी कंडीशन कि 1 अभी 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, तो उसके बाद अंदर आएगा, अंदर जैसी आएगा दोबारा से, अब ए एट जे, जे की वैल्यू 1 लेस देन इज ग्रेटर देन ए एट जे प्लस 1, जे की वैल्यू 1 है तो फिर क्या होएगा ए 2, अब ए एट 1 पे क्या है 19 और इधर क्या ए एट 2 पे 2 ही है, तो 19 2 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, तो अब टी में क्या स्टोर हो जाएगा ए एट जे प्लस 1, जे प्लस 1 पे क्या है 2 और ए एट जे प्लस 1 मतलब ए एट 2 पे क्या है हमारा ए एट जे, ए एट जे मतलब 19 और इधर क्या हो जाएगा ए एट इधर आपके 1 पे क्या स्टोर हो जाएगा 2। ओके मतलब स्वैपिंग हो गई। अब स्वैपिंग के बाद आपको दोबारा से नया एरे किस तरह से दिखेगा, मैं आपको दिखाती हूँ बना के, आपका दिखेगा 2 19 और इधर क्या आ जाएगा 15, ये आपका नया एरे बन गया। अब आप देख सकते हैं स्वैपिंग हो रही है धीरे धीरे, और जैसे ही अब जो क्या होएगा, अब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, चेक करेगा क्या 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, अब दोबारा से स्वैपिंग होएगी, क्या होएगा अभी चेक करेगा क्या, इधर से मैं इंडेक्सिंग देती हूँ दोबारा 1 2 3, अभी फिर से चेक करेगा कि ए एट जे, ए एट जे, जे की वैल्यू समय क्या है 2, ए एट 2 इज ग्रेटर देन ए एट जे प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 3, ए एट 2 पे क्या है 19, 19 क्या बड़ा है 15 से, कंडीशन फिर से ट्रू है, तो अंदर फिर से स्वैपिंग होगी, तो टी इज इक्वल टू ए एट जे प्लस 1, जे प्लस 1, जे प्लस 1 पे क्या है 15 और ए एट जे प्लस 1 मतलब ए एट 3 पे क्या आ जाएगा ए एट जे पे क्या है 19 और फिर उधर ए एट 2 पे क्या आ जाएगा आपका 15 और ये स्वैपिंग हो जाएगी 2 और 3 पे, तो अब इधर नया एरे आपका कैसा दिखेगा, नया एरे दिखेगा 15 और इधर क्या आ जाएगा 19, स्वैपिंग हो गई। तो अब आप देख सकते हैं जैसे जे की वैल्यू 3 होगी कंडीशन फॉल्स, क्योंकि लेस देन तक था तो 3 कभी 3 से लेस देन नहीं होता है, इक्वल होता है लेस देन नहीं होता, तो ये आपकी एक पूरी जे की लूप चल गई। जब आपकी पूरी जे की लूप रन करी तो इधर मैं एरे दोबारा बनाती हूँ, तो आप देख सकते हैं 7 2 15 और 19, तो आप देख सकते हैं पूरी एक लूप चलने के बाद आपका जो एलिमेंट है लार्जेस्ट एलिमेंट वो एंड में आ चुका है, जब वो एंड पोजीशन पे आ चुका है मतलब ये सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है, और मैथमेटिकली आप देख सकते हैं कि इस गिवन एरे में 19 ही सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है, तो 19 हमारा जैसे लार्जेस्ट एलिमेंट है, तो इसलिए हमने क्या करा, हमने एक पूरा जे का लूप चलाया और हमें लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट में मिल गया, इसी वजह से हम लोग जो जे का लूप है लास्ट में फिर माइनस आई मतलब एक कम चलाते हैं, ताकि हमें क्या मिले सिंपली जो लार्जेस्ट एलिमेंट है हमें तो लास्ट में मिल चुका है, तो हम लोग और टाइम वेस्ट अपना लूप का ना करते हुए माइनस करते जाएं, ताकि हमें पीछे तक सॉर्टिंग करने की जरूरत दोबारा ना पड़े। ठीक है, अब थी हमारी इस समय आई की वैल्यू 0, अब मैं आपको एक और बार लूप करके चढ़ा के दिखाती हूँ, हमारा जो लास्ट एरे था पूरा जब आई की वैल्यू 0 पे जो रन करके आया था वो आया था हमारा 7 2 15 और 19। ठीक है, अब हमारी आई की वैल्यू क्या होगी 1, आई की वैल्यू जब 1 होगी तो जे का लूप हमारा कैसे चलेगा 0 से लेके कहाँ तक एल माइनस 1 माइनस आई, एल क्या है 5, एल तो हमारा 5 है, तो जे का लूप कहाँ चलेगा 5 माइनस 1 माइनस आई, आई की वैल्यू क्या है 1, तो जे का लूप हमारा 0 से लेके कहाँ तक चलेगा माइनस वो 3 तक चलेगा, 3 से भी एक कम, तो 3 से एक कम कितना चलेगा 0 से 2 तक, क्योंकि लेस देन है ना, तो हमारा लूप कहाँ चलेगा 0 से 2 तक। तो अब फिर हम लोग क्या करेंगे, जे की वैल्यू 0 होगी चेक करेगा क्या 0 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या होएगा ए एट जे, पहले मैं तक इंडेक्सिंग दूँ 0 1 2 3, तो अब चेक करेगा ए एट जे, जे की वैल्यू 0 और ग्रेटर देन ए एट जे प्लस 1 तो 0 प्लस 1 1, तो अभी चेक करेगा क्या 7 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू है 7 2 से बड़ा होता है।
और उसके बाद क्या होएगा, टी इज इक्वल टू ए एट जे प्लस वन, जे प्लस वन पे आप देख सकते हैं टू था तो टू आ जाएगा, और ए एट वन पे क्या आ जाएगा इस समय सेवन आ जाएगा, और ए एट जीरो पे क्या आ जाएगा टू आ जाएगा, स्वैपिंग हो गई। जैसी स्वैपिंग होगी तो ये आपस में कैंसिल, अब इधर टू आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा सेवन आ जाएगा। ओके अब इधर सेवन आ गया, दोबारा से लूप ऊपर जाएगा, चेक करेगा क्या ए एट, अब जे की वैल्यू वन हो जाएगी तो ए एट वन इज ग्रेटर देन ए एट टू, कंडीशन क्या है मतलब ए एट वन पे सेवन है, टू पे क्या है आपका नाइनटीन है, आपका फिफ्टीन है, तो कंडीशन फॉल्स है क्योंकि सेवन इज नेवर ग्रेटर देन फिफ्टीन, तो ये लूप नहीं वर्क करेगा। अब क्या होएगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी टू, जे की वैल्यू टू होगी, चेक करेगा ए एट टू इज ग्रेटर देन ए एट जे प्लस वन, जे की वैल्यू टू है तो थ्री हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं टू और थ्री, तो इसका मतलब फिफ्टीन इज ग्रेटर देन नाइनटीन, कंडीशन फॉल्स, ये भी फॉल्स हो गई। अब दोबारा लूप ऊपर जाएगा, जे की वैल्यू जैसे ही थ्री होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि हमने क्या दिया है लेस देन थ्री तक करना है हमें, तो अब दोबारा से हमें ये एरे एक तरह से सॉर्टेड मिल चुका है। अब दोबारा लूप ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू क्या होगी टू होगी, आई की वैल्यू जैसे ही टू होगी, अब जे का लूप कहाँ से चलेगा, जीरो से लेके वन तक, खाली जीरो और वन तक ही चलेगा क्योंकि जीरो से लेके टू तक चलना है, तो अब फिर क्या होगा लेस देन है तो फिर जीरो और वन ही वैल्यू चलेंगी, तो ये चेक करेगा जे की वैल्यू जब जीरो होगी कि ए एट जीरो इज ग्रेटर देन ए एट वन, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स क्योंकि टू कभी सेवन से बड़ा नहीं होता, और फिर उसके बाद जब जे की वैल्यू वन होगी तो क्या होएगा, चेक करेगा कि सेवन इज ग्रेटर देन फिफ्टीन, कंडीशन ये भी फॉल्स है। अब दोबारा से आई की वैल्यू दोबारा से ऊपर जाएगी, थ्री हो जाएगी, आई की वैल्यू थ्री होगी, ये फिर से चेक करेगा क्या आई की वैल्यू थ्री पे भी, हम पूरा ये जो लूप है प्रोसेसिंग आप देख चुके हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमारा लूप ऑलरेडी आ चुका है, पर ये चेकिंग तो पूरी करेगा। अब जब चेकिंग पूरी करेगा तो ये चलेगा खाली जीरो तक, जीरो और फिर वन तक, और ये फर्स्ट एलिमेंट दो चेक करेगा टू और सेवन के बीच में, टू और सेवन भी बिल्कुल सही पोजीशंस पे हैं, तो क्या होएगा हमें अपना लूप सॉर्टेड मिल चुका है जो हमारा है टू सेवन फिफ्टीन और नाइनटीन। अब क्या होएगा सिंपली हमने तो दूसरी ये आई के लूप से भी बाहर आएगा और आपका प्रोग्राम आपको एरे नया मिल चुका है, नया एरे आपका सिंपल है बहुत सॉर्टेड टू सेवन फिफ्टीन और नाइनटीन, ये आपका सॉर्टेड एरे आ चुका है। अब क्या होएगा ये सिंपली हमने फॉर लूप प्रिंट एक लिया है एरे प्रिंट करवाने के लिए, जब आई की वैल्यू जीरो होगी तो ये टू प्रिंट करवा देगा, और जब आई की वैल्यू वन होगी तो सेवन प्रिंट करवा देगा, और जब टू होगी तो फिफ्टीन, और जब थ्री होगी तो नाइनटीन प्रिंट करवा देगा, और ये आपको अपना सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। सो होप आपको बबल सॉर्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम बबल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या इसके पीछे का ड्राई रन रहता है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। Hope you like the video, and if you like the video, please go and subscribe to the Effortless Java channel and press the bell icon to never miss any update from us. Thank you for watching the video.